आज पहली बार इस पदयात्रा को ब्रेक के लिए मैं लिया जा रहा है। तो पदयात्रा शुरू होते समय मैंने घोषणा की थी कि अगर शरीर से बीमार नहीं हुए तो कोई कहीं रुकेंगे नहीं। बीमार मैं अभी भी नहीं हूं। बहुत लंबे समय तक लगातार खराब सड़कों पर ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ सड़कों पर चलने से मसल टियर हो गया है, मतलब हिंदी में मसल फट गया है। तो डॉक्टरों का अपना एक अनुमान है कि इसको दवा और इंजेक्शन से ठीक करने के साथ साथ ये जरूरी है कि 10-15 दिन का इसको आराम दिया जाए। जिस फॉर्मेट में पदयात्रा अभी तक चली है उसी ईमानदारी और उसी शुद्धता से इसको आगे भी शुरू किया जाएगा। और नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। जन स्वराज यात्रा से बड़ी खबर निकल कर सामने आई है, जहां प्रशांत किशोर ने जन स्वराज यात्रा को स्थगित करने का निर्णय लिया है। जी हां, प्रशांत किशोर जो पॉलिटिकल रणनीतिकार हैं, उन्होंने महात्मा गांधी के जन्मदिन यानी 2 अक्टूबर 2022 से भितिहरवा गांधी आश्रम से पूरे बिहार में घूमने के लिए, लोगों से मिलने के लिए, लोगों से बात करने के लिए, गांव-गांव में जाने के लिए, समस्याओं के लिए और अच्छे लोगों को चुन कर निकालने के लिए पदयात्रा की शुरुआत की थी। लेकिन अब वो पदयात्रा स्थगित करने का खुद प्रशांत किशोर ने निर्णय लिया है और बड़ा ऐलान भी कर दिया है। बात अगर पदयात्रा की करें तो मौजूदा समय में ये पदयात्रा 11 मई को समस्तीपुर में प्रवेश किया था। उसके बाद से प्रशांत किशोर लगातार लोगों से मिल रहे थे, लेकिन प्रशांत किशोर ने अचानक इस बात का ऐलान कर दिया कि अब इस पदयात्रा को यहीं पर स्थगित कर दिया जाएगा। आखिर ये पूरे पदयात्रा को स्थगित करने का निर्णय प्रशांत किशोर ने क्यों लिया है, आखिर क्यों लेना पड़ा, क्या मजबूरी थी, इन तमाम बातों को आप खुद प्रशांत किशोर बता रहे हैं, जरा आप सुनिए। पदयात्रा के मकसद को पूरा करने के लिए इसकी शुद्धता और ईमानदारी इसको पूरी तरीके से सुनिश्चित किया जाए, इसी वजह से गाड़ी का प्रयोग अभी तक नहीं करते हैं या बीच में कहीं ब्रेक नहीं लेते हैं। आज पहली बार इस पदयात्रा को ब्रेक के लिए मैं लिया जा रहा है, तो ये मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं पत्रकार बंधुओं को ये बताऊं कि ये ब्रेक क्यों लिया जा रहा है। पदयात्रा शुरू होते समय मैंने घोषणा की थी कि अगर शरीर से बीमार नहीं हुए तो कोई कहीं रुकेंगे नहीं। बीमार मैं अभी भी नहीं हूं, पूरी तरीके से स्वस्थ हूं, लेकिन वैशाली में चलते हुए मुझे अपने बाएं पैर में तकलीफ हुई पहली बार। सुखी में वहां हम 5 दिन रुके हुए थे, डॉक्टरों ने अपनी ओर से जो इलाज समझा वो किया और राहत भी मिली, फिर सुखी से चलना शुरू भी किए, लेकिन फिर से वो मसल टियर बढ़ गया है। तो यहां जब मैं समस्तीपुर आया हूं तो उसके बाद से 1 दिन रुके और उसको जब जांच किया गया तो डॉक्टरों का ऐसा मानना है कि वो बहुत लंबे समय तक लगातार खराब सड़कों पर ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ सड़कों पर चलने से मसल टियर हो गया है, मतलब हिंदी में मसल फट गया है। और ये कोई बहुत गंभीर बीमारी नहीं है, बहुत ज़्यादा ओवर यूज है, मतलब 20-25 किलोमीटर अगर आप डेली खराब सड़कों पर चल रहे हैं पैदल तो मसल फट सकता है। तो डॉक्टरों का अपना एक अनुमान है कि इसको दवा और इंजेक्शन से ठीक करने के साथ साथ ये जरूरी है कि 10-15 दिन का इसको आराम दिया जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम आपके सामने बैठे हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं, काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ उनका सुझाव ये है कि चूंकि ये यात्रा अभी 1-1.5 महीने और 1-1.5 साल चलनी है, तो ये समय जब 8 महीने करीब हम लोग पैदल चल लिए तो 10 दिन रुक के उस मसल को हील करने का अवसर दे दिया जाए। इसीलिए 10-15 दिन के लिए हम यात्रा को यहीं स्थगित कर रहे हैं और जब लौटेंगे 15 दिन में इसी जगह से पदयात्रा को पुराने ही फॉर्मेट में, अभी चर्चा चल रही थी, कई लोगों ने सुझाव दिया कि अब गाड़ी से चल लीजिए, आधा गाड़ी से चल लीजिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जिस फॉर्मेट में पदयात्रा अभी तक चली है उसी ईमानदारी और उसी शुद्धता से इसको आगे भी शुरू किया जाएगा और आगे भी किया जाएगा। तो आपने प्रशांत किशोर को सुना है किस तरीके से वो बता रहे हैं कि वो लगातार बिहार के गांव में घूम रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, ऊंचे नीचे उबड़ खाबड़ सड़क पर चलने से उनका जो पैर है उन मसल में, मांसपेशियों में खिंचाव आ गया या मांसपेशियों में कुछ समस्याएं आ गई है, जिसके कारण डॉक्टर ने उन्हें आराम
करने की सलाह दी है, जिसके आधार पर उन्होंने ये फैसला लिया है कि पदयात्रा को यहीं पर रोक दिया जाए। हालांकि इसके बाद फिर से पदयात्रा को इसी रूप में यही स्वरूप में शुरू किया जाएगा, यानी कि पदयात्रा में जिस तरीके से प्रशांत किशोर लगातार पैदल चल के लोगों से मिल रहे हैं, गाँव में घूम रहे हैं, तो फिर से ये पदयात्रा को शुरू भी किया जाएगा। जो तारीख निर्धारित किया गया है वो 21 जून है, यानी कि ठीक 25 दिन के बाद फिर से प्रशांत किशोर गांव और सड़कों में होंगे और पैदल चलते हुए देखे जाएंगे, जहां लोगों से वो मिलते रहेंगे, लोगों को संबोधित करेंगे। इस बात की जानकारी भी खुद प्रशांत किशोर ने दी भी है और आपने सुना भी है। तो फिलहाल प्रशांत किशोर की पदयात्रा, जो जन स्वराज यात्रा पूरे बिहार के अलग अलग गाँवों में चल रही थी, वो स्थगित कर दी गई है। इन बातों को आपने खुद प्रशांत किशोर के जुबान आपने सुना है। आप अपनी राय जन स्वराज यात्रा के रुकने को लेकर और फिर से जो शुरू होने वाला है उसको बारे में राय जो है कमेंट करके हमें ज़रूर पहुंचाइए। इसी तरह की दूसरी खबर को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।